हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम आर्या। मेरा आज का टॉपिक है राय सिविल। तो देखते हैं, राय सिविल ये एक ऐसा पेस्ट है जो भंडारित किए गए अनाजों में सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम देखते हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राय सिविल, इसका साइंटिफिक क्या होता है? सिटिफिलस ओराइजी होता है। ऑर्डर, ये किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है? ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। कोलियोप्टेरा मीन्स, कोलियो का मतलब होता है हार्ड या शीत, और टेरा के मीन्स होता है विंग। तो जिसमें हार्डी नेचर के विंग पाए जाते हैं, तो वो किस ऑर्डर में होगा? वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हार्ड नेचर के जो विंग होते हैं, उसको हम इलेट्रा टाइप का नाम दिया गया है, इलेट्रा विंग्स बोलते हैं। इसके साथ ही इसकी फैमिली के अंतर्गत, किस फैमिली के अंतर्गत आता है? ये कुरकुलिनिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। किस फैमिली के अंतर्गत? कुरकुलिनिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। डैमेजिंग स्टेज, राय सिविल का ग्रब स्टेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, यह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसके साथ ही ये जो फूड प्लांट होता है, फूड प्लांट कौन कौन से प्लांट को ये डैमेज करते हैं? तो राइस, वीट, मेज इत्यादि जो भंडारित किए गए अनाज होते हैं, उनको यह डैमेज करते हैं। और हम देख लेते हैं इनकी लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल चार अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। किस अवस्थाओं में? चार अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। तो एग, ग्रब, पिपा एंड एडल्ट। जो हम ग्रब यह नाम लिए हैं, और ऑर्डर में ये ग्रब के स्थान पर लार्वा होता है। लेकिन कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो लार्वल स्टेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रब बोलते हैं। इसके साथ अब देखते हैं स्टेज, एग, ग्रब, पिपा एडल्ट, ये चार अवस्थाएं अब समझ लेते हैं। ये एक जो होता है, वह फीमेल के द्वारा वन एग, एक ग्रेन के अंदर वन एग दिया जाता है। तो ये राइस का ग्रेन है, समझ लेते हैं। ये राइस ग्रेन है। राइस के ग्रेन में ये माइन्यूट होल या एक कैविटी बनाते हैं, वहीं पे एक एग लेइंग करेंगे। क्या करेंगे? एग लेइंग करेंगे। एग लेइंग करती हैं क्या? कौन? फीमेल करती हैं। वह एग लेइंग एक यहीं पे डिपॉजिट करते हैं, मतलब एक राइस ग्रेन में एक एग लेइंग दी जाती है। अब इसके एग लेइंग की आती है, एक कैसा होता है? ये एग जो है कि आपका एग 0.7 mm लेंथ और 0.3 mm विथ। उसकी एग की चौड़ाई 0.3 mm और एग की लंबाई 0.7 mm। तो 0.7 mm लेंथ होती है एग की, और 0.3 mm चौड़ाई होती है एग की। और एक कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट कलर के एग फीमेल के द्वारा एक एग, एक सिंगल एग, एक ग्रेन के अंदर दिए जाते हैं। कभी कभी सम केसेस यह एक ही ग्रेन के ऊपर दो तीन एग दे देते हैं, दिए जाते हैं फीमेल के द्वारा। तो अब ये एग हो गया, एग के बाद ग्रब बनते हैं। तो एग का इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है, लगभग दो से चार दिन का होता है। तो 2 से 4 दिन के पश्चात, कितने दिन के बाद? 2 से 4 दिन, 2 to 4 days, ये क्या होते हैं? ग्रब में चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं? ग्रब में चेंज होते हैं। अब ग्रब क्या होता है? ग्रब, ये जब ग्रब में चेंज होते हैं, ये क्या करता है? जो ग्रेन है, राइस का जो ग्रेन था, ये ग्रेन के इंटरनल ऑर्गन को, ये राइस ग्रेन है, ग्रेन के आंतरिक भागों को ये खाना शुरू कर देते हैं। इंटरनल जो फीडिंग कर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब राइस ग्रेन जो होता है, उसके आंतरिक भागों को खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये इनकी साइज जो होती है ग्रब की, वह जो है कि 0.8 mm के आसपास होती है। इसके साथ, इसके बाद ये क्या होते हैं? प्यूपा में चेंज होते हैं। किसमें? प्यूपा में चेंज होते हैं। अब प्यूपा में चेंज होते हैं, तो प्यूपा जो होता है, किस कलर का होता है? प्यूपा लाइट ब्राउन कलर का होता है। कैसा? लाइट ब्राउन कलर का होता है। लाइट ब्राउन कलर का होता है प्यूपा। और प्यूपा का जो प्यूपेशन होता है, वह भी जो है कि जो राइस ग्रेन होता है, प्यूपेशन भी राइस ग्रेन के अंदर ही होता है, राइस ग्रेन के अंदर ही होता है। उसके पश्चात जो है कि 7 से 8 दिन के पश्चात, 7 से 8 डेज
7 to 8 days, 7 to 8 days का टाइम लेकर के ये किसमें चेंज होते हैं, एडल्ट में चेंज होते हैं। तो एडल्ट क्या करते हैं, यह भी राइस के जो ग्रेन है उनके आंतरिक भागों को इंटरनल फीडिंग करते हैं। किसको? इंटरनल फीडिंग करते हैं, इंटरनल फीडिंग। तो ये भी इंटरनल फीडिंग कर रहा है, साथ ही साथ ग्रब भी क्या कर रहा है, इंटरनल फीडिंग कर रहा है, इंटरनल फीडिंग कर रहा है। तो राइस का, राइस विविल का जो ग्रब स्टेज होता है वह भी इंटरनल फीडिंग करते हैं, और राइस विविल का जो एडल्ट होता है वह भी इंटरनल फीडिंग करता है। तो डैमेजिंग स्टेज क्या होगा, ग्रब के साथ इसका जो है कि एडल्ट भी होता है, एडल्ट एड ग्रब और एडल्ट ये डैमेज करते हैं राइस ग्रेन में ही। पूरी जो भी अवस्थाएं होती हैं एक राइस ग्रेन के अंदर दिया गया, कैविटी बना करके एक एगलिंग किया गया, फिर 2 से 4 दिन बाद ग्रब निकले, हेच के निकले, वो भी बाहर नहीं आते, वो राइस ग्रेन के अंदर ही रहते हैं, वो इंटरनल पोर्शन को खाना शुरू करते हैं। इसके पश्चात वो प्यूपा में चेंज होते हैं, प्यूपेशन पीरियड जो होता है वो भी राइस ग्रेन के अंदर ही होता है। इसके बाद ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, उसके बाद चेंज होते हैं 7 to 8 days के बाद ये एडल्ट में चेंज होते हैं, एडल्ट में चेंज होते हैं। वह एडल्ट भी क्या करता है, ये राइस के ग्रेन को इंटरनल जो पोर्शन होते हैं उनको खा करके नष्ट करते हैं, तो उनको नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राइस विविल का जो इंटरनल फीडर कौन है, ग्रब होता है और एडल्ट होता है। तो ग्रब और एडल्ट दोनों किस नेचर के हो गए, इंटरनल फीडिंग करते हैं, इंटरनल फीडिंग करते हैं। इसके बाद जो है कि इंटरनल फीडिंग करते हैं, उसके बाद एडल्ट कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, एक जो ये हमारा था ना, ये जो राइस था, राइस के अंदर ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, एक भी दिया गया इसी के अंदर, इसके साथ ही ग्रब भी इसी के अंदर हैच आउट करके निकले हैं, उसके बाद पीपा बना है, पीपा से फिर एडल्ट बना, सब राइस के ग्रेन के अंदर ही हुआ। तो अब हम देखते हैं एडल्ट, एडल्ट जो होता है, एडल्ट ये राइस ग्रेन में, ये राइस का ग्रेन बना लेते हैं, राइस के ग्रेन में ये इरेगुलर होल बनाते हैं, अनियमित आकार के होल बना करके ये क्या होते हैं, इमर्जेंस करते हैं, बाहर निकलते हैं, इमर्ज एडल्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एडल्ट अंडर इसके अंदर का फीडिंग करके ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो अब हमने देखा इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई राइस विविल की। तो राइस विविल की ये देखा हमने कि राइस विविल जो है कि मैक्सिमम जो है कि इंटरनल फीडिंग कर रहे हैं, बाहर से कोई डैमेज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इंटरनल फीडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल फीडर भी बोलते हैं, इंटरनल फीडर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इंटरनल फीडर के अंतर्गत आता है कि ये इसका ग्रब भी क्या करता है, इंटरनल फीडिंग कर रहा है, और इसका एडल्ट भी क्या कर रहा है, इंटरनल फीडिंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या है, किस प्रकार का पेस्ट है, इंटरनल फीडर है। ओके, तो हमने देखा राइस विविल, इसका साइंटिफिक नेम सिटोफिलस राइजी, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली कुरकोलिनिडी फैमिली, डैमेजिंग स्टेज ग्रब एंड एडल्ट होता है, और फूड प्लांट किस प्लांट को डैमेज करते हैं, राइस को, मीट को, मेज को डैमेज करते हैं, इंटरनल फीडर है क्योंकि ये इंटरनल फीडिंग करता है। इसके साथ इसका लाइफ साइकिल 4 अवस्थाओं में कम्प्लीट होता है, एक ग्रब, प्यूपा एंड एडल्ट। तो इस और उसके बाद ये अवस्थाएँ कम्प्लीट हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा, और इसको कंट्रोल करने के लिए राइस विविल को हम एल्युमिनियम फॉस्फाइड स्टोरेज ग्रेन में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके जो जिस कंटेनर में या जिस ड्रम में रखे जाते हैं ये राइस रखे, या कोई भी स्टोर्ड प्रोडक्ट, या स्टोर्ड प्रोडक्ट मीन्स जैसे ग्रेन हो गए राइस का, वीट का, मेज का, तो अगर रखे गए हैं तो वहाँ वह एयर टाइट होना चाहिए, जिससे ये उस एयर टाइट होने से एयर टाइट कंटेनर हो या ड्रम हो वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट होने से क्या होता है, राइस विविल उसमें अटैक नहीं कर पाते हैं, तो इससे बचा जा सकता है। तो इसके साथ ही हमें अगर लग भी गया है, डैमेज हो गया है, तो हम इसके डैमेज को रोक सकते हैं, डैमेज होने से रोक सकते हैं, किसका यूज़ करके, एल्युमिनियम फॉस्फाइड टेबलेट का यूज़ करके हम इसको, इसके पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा राइस की, राइस विविल का लाइफ साइकिल कम्प्लीट हुआ।
तो ये हमारा आज का टॉपिक भी समाप्त हुआ। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।